wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। भाई आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गाड़ी लेके आया हूँ, फोर सेल में खड़ी है, अवेलेबल है सेल के लिए जो भी भाई हमारा ख़रीदने चाहते हो। तो भाई उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल एडिशन लेके आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट टाइप की गाड़ी दिखाने वाला हूँ आज मैं आपको। फोर्ड एंडीवर दिख रही होगी आपको, इसके बारे में मैं सारी डिटेल्स दूंगा, स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा, गाड़ी के एक्सटीरियर इंटीरियर के बारे में सारी बातें करूंगा, और भाई कितने रुपए में कौन सा मॉडल मिलने वाली है, कौन सा ओनर होने वाली है, सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करूंगा गाड़ी की। यार एक बार आप लुक्स देखो, कितनी ज़्यादा एकदम ख़तरनाक टाइप वाली गाड़ी लगती है, मतलब स्कॉर्पियो के बाद सेकेंड ऑप्शन इसका ही आता है। तो भाई शुरू करते हैं फ्रंट से, फ्रंट गाड़ी का कैसा रहने वाला है, फ्रंट से कैसी लगती है, बम्पर ग्रिल हेडलाइट के बारे में सब बताऊंगा। फ्रंट से बात करो तो भाई फ्रंट से इसका इतना एग्रेसिव टाइप वाला लुक आता है, बहुत ज़्यादा प्योर वाइट कलर में है, बहुत ही ज़्यादा ऑसम कंडीशन में है। अगर मैं लाइट्स की बात करूँ तो भाई लाइट्स की कंडीशंस आप देख लो, ग्रिल देख लो यार इसमें, मतलब ये 1 2 3 4 मतलब इतना बड़े स्पेस की ग्रिल मिलती है इसके अंदर, और इतने कुछ ज़्यादा एकदम बुल टाइप एकदम अग्रेसिव लुक के साथ आती है। फोर्ड की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर मैं नंबर की बात करूँ यहाँ पे आता हूँ नीचे, तो भाई ये हापुड़ का नंबर है UP 37, मतलब यूपी में है, UP 37 हापुड़ का नंबर है। और भाई इसके अंदर फोग लाइट भी मिलती है आपको, फोग लाइट देख लो, फोग लाइट का कुछ इस तरीके का डिज़ाइन मिलेगा आपको। और भाई जो इसका साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है भाई। नंबर प्लेट के नीचे इस तरीके के बम्पर की कुछ ये ग्रिल नीचे मिल जाती है ये वाली, भाई नहीं यहाँ से देखेंगे आप, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक के साथ आती है ये वाली गाड़ी। तो इसके साइड की तरफ साइड प्रोफाइल में अगर आपको दिखाना चाहूँ तो भाई साइड से ये कुछ यार इस तरीके की लगती है, और इस गाड़ी की लेंथ बहुत ज़्यादा है, लेंथ जो है ना इसकी, और भाई ये जो इसका बोल्ड टाइप का लुक है ये इसको बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है, इसकी ब्यूटी दिखाता है। और अगर मैं टायर की बात करूँ तो भाई टायर देख लो आप इसमें, यहाँ पे अलॉयबल मिलने वाले हैं, टायर की कंडीशन देख लो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और भाई ना ही कोई स्क्रैच है ना ही कोई डेंट है, ये कुछ एडिशन टाइप का आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये आप देख रहे हैं 5-speed ऑटोमेटिक, तो ये मतलब ट्रांसमिशन के बारे में लिखा हुआ है। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, एंडीवर की एक बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, ये देखिए कितने ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छे लुक्स के साथ आपको यहाँ पे मिल जाती है। और इस गाड़ी की ना एक चीज़ और बताऊँगा, ये खैर सफारी में और स्कॉर्पियो में सब में सिमिलर टाइप की है इस गाड़ी में, और बता देता हूँ ये चीज़ देख रहे हैं आप यार, ये वाली यहाँ पे पैर रख के मतलब एक अंदर जाने में जैसे जो एक मज़ा आता है ना, एक SUV प्राइम SUV वाला फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। अंदर से भी दिखाऊंगा, और भाई पीछे की तरफ से आप देखेंगे तो पीछे मतलब टायर जो हैं इसके कंपनी फिटेड अलॉय मिलने वाले हैं, डोर हैंडल्स वगैरह एक स्क्रैच नहीं दिखा सकते आप मुझे गाड़ी के ऊपर की एक भी स्क्रैच लग रही हो। अब चलते थोड़ा सा पीछे, पीछे की प्रोफाइल भी दिखा देता हूँ। टेल लाइट इसके आपको ऊपर की तरफ मिल जाती है, यहाँ पे स्टेपनी का टायर जो कि मतलब ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है ये वाले लुक्स। एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा भाई आपको, मैं ये चीज़ देख रहे हैं आप, ये मतलब लगेज को इसमें हम बांध सकते हैं, ऊपर रख के जा सकते हैं। और भाई ये जो है ना ये मतलब एक फ़ील भी देता है कि हाँ एक SUV में जो फीलिंग आती है ना ऊपर जो लगी हुई होती है, ये इससे एक फ़ील आती है कि SUV फील वाली बात जो हो जाती है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाती है। यहाँ पे से आप यार फोर्ड की एक बैजिंग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पीछे बुल गार्ड भी लगाया हुआ है। तो पीछे का तो इस तरीके का है, मैंने आपको साइड से प्रोफाइल दिखा दिया, फ्रंट से भी दिखा दिया है। अब मैं आपको गाड़ी के अंदर भी लेके चलूँगा, अंदर से भी दिखाऊँगा कि गाड़ी अंदर से कितनी प्यारी है यार, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट कंडीशन में है गाड़ी, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन है। तो भाई अब मैं चलूँगा गाड़ी के अंदर, ये मैंने हैंडल खोला, देख रहे हो भाई मतलब गेट खोलने की ना एक आवाज़ आई है, एक SUV वाला फील आया, जैसे कि ये देख रहे हो ये आवाज़ जो आई है बहुत ही ज़्यादा यार एकदम बढ़िया चीज़ है। अब भाई डोर की बात करूँ, डोर की भाई कंडीशन देखो आप, देख रहे हो कितना नीट एंड क्लीन वेल मेंटेन कंडीशन में गाड़ी रखी हुई है। सारे स्विचेस आपको कंट्रोलिंग के यहाँ पे मिल जाते हैं, विंडो पावर विंडो एंड लॉक अनलॉक टाइप, ये सारे स्विचेस आपको यहाँ पे ये मिल जाते हैं। काफ़ी सारा स्पेस है आपको यहाँ पे डोर पे मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे बोतल रख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ सामान रख सकते हैं, यहाँ पे अपने कोइंस वगैरह यहाँ पे कैरी कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये सामान के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस यहाँ पे आपको दरवाजे पे मिल जाता है। अब चलते हैं अंदर की तरफ, अंदर से कुछ लुक्स इस तरीके के रहने वाले हैं गाड़ी के, देखो भाई कितना मज़ेदार चीज़ है एकदम यार। अगर मैं सीट्स के बारे में बात करूँ, सीट्स देख लो भाई, मतलब कोई भी टूट फूट कहीं से कुछ रिपेयर वगैरह कुछ भी नहीं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंडीशन, मैट कलर के ही अकॉर्डिंग इसमें मैट लगे हुए हैं, देखो भाई
आपको मैं डायरेक्ट बड़े क्लोजली तरीके से दिखा देता हूँ। अब आ जाते हैं भाई हम थोड़ा सा गियर लीवर के ऊपर। गाड़ी का मॉडल है जो मैं बताऊँगा आपको कितनी पुरानी है गाड़ी, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो भाई बिल्कुल हर चीज़ इस पर से मिटी भी नहीं है और इस हर चीज़ में क्लियर क्लियर आप देख सकते हैं। अब पे आपको कुछ स्विचेस मिल जाते हैं जिससे कि आप अपनी हेडलाइट लो बीम हाई बीम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एसी वेंट यहाँ पे मिल जाता है। इसके अगर मैं मीटर कंसोल की बात करूँ तो भाई यहाँ पे देख लो बिल्कुल मस्त कंडीशन में है। स्टेयरिंग की बात करूँ फोर्ड की, यहाँ पे आपको एक बैजिंग यहाँ पे मिल जाएगी। और भाई अगर मैं सेंटर कंसोल आपको दिखाता हूँ तो सेंटर कंसोल कुछ इस तरीके का होने वाला है गाड़ी का, बहुत ही ज़्यादा। और भाई इसमें लुक्स जो आ रहे हैं ना इसमें, ये वुडन वाला जो काम हो रखा है ये बहुत ज़्यादा एक प्रीमियम लुक दे रहे हैं इसकी। और भाई यहाँ पे आपको एसी वेंट्स यहाँ पे भी और मिल जाते हैं, एसी वेंट्स कंट्रोलर्स। और भाई यहाँ पे थोड़ा सा कप होल्डर का स्पेस, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे मिल जाता है। और भाई ऑक्स के लिए यहाँ पे देख रहे हैं आप नीचे, ऑक्स के लिए यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है भाई। और थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे भी मिलता है इसमें, देख रहे हैं आप, ये भी स्पेस काम आएगा आपके। और भाई इसका जो आर्म रेस्ट है, इसमें आर्म रेस्ट मिलता है आपको, ये देख रहे हैं आप, काफ़ी अच्छे साइज़ का। और चलाते हैं ना यार गाड़ी, मतलब इसका जो आर्म रेस्ट है और जो गियर लीवर है इतना ज़्यादा क्लोज मतलब फील होता है और आपको हाथ को भी कोई दर्द नहीं होगा और आप बड़े आराम से शान के साथ गाड़ी चलेंगे। आर्म रेस्ट के अंदर भी इस तरीके का कुछ स्पेस मिल जाता है। तो भाई ये तो हो गई यहाँ की बात, अब चलते हैं मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ सेकेंड, ये जो सीट है हमारी इसके पास का भी लुक्स दिखा देता हूँ मैं। और भाई यहाँ पे आप देखेंगे स्पीकर्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, इस डोर पे भी एक मिल जाएगा। अब मैं चलता हूँ पीछे और पीछे से दिखाता हूँ मैं। तो भाई अब मैं आ गया हूँ पीछे की तरफ, पीछे से आप देखें किस तरीके की लुक्स होने वाली हैं गाड़ी के अंदर और भाई कितना स्पेस मिलने वाला है। मैट जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, मतलब कलर मैचिंग मिलने वाले हैं। अब मैं पीछे की सीट पे अगर मैं बैठता हूँ तो भाई स्पेस ही स्पेस फील होता है यार, चारों तरफ से स्पेस ही स्पेस, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे भी स्पेस मिल जाता है आपको, आगे के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और भाई मतलब ये 5 सीटर गाड़ी नहीं है कोई, मैं आपको बताऊँ ये कोई 5 सीटर नहीं है, पीछे भी इतना ही आपको स्पेस मिल जाता है, ये देख रहे हैं। मतलब वो तो हो गई फ्रंट सीट, सेकंड पे मैं बैठा हूँ एंड भाई थर्ड पे भी इतना स्पेस आपको मिलने वाला है। और वहाँ पे भी देखो आप कप होल्डर का स्पेस मिलने वाला है, वो भी काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे कि आपको यहाँ पे भी एसी वेंट्स मिल जाते हैं और आपको इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। लाइट्स यहाँ पर मिल जाती हैं और भाई वैनिटी मिरर उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है भाई। और बहुत ही ज़्यादा मतलब एक लुक्स जो आते हैं ना गाड़ी के अंदर इसके, बहुत ही ज़्यादा एक फील होता है कि हाँ यार हम किसी गाड़ी में बैठे हैं, कुछ हम चला रहे हैं। अंदर से मैं आपको दिखा चुका हूँ कितनी शानदार और एकदम लाजवाब कंडीशन में है यार गाड़ी। अब भाई जो बात आप सुनना चाह रहे हैं उसको भी मैं ओपन करूँगा। भाई एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा मैं आपको, ये इसके साइड मिरर्स देख रहे हैं आप, साइड मिरर्स क्रोम का काम हो रखा है। और भाई ये इंडिकेटर लाइट इसमें यहाँ पर इंस्टॉल्ड हो रखी है इंडिवर की, उस साइड भी मैंने आपको बैजिंग दिखाई थी, इस साइड भी आपको मिलने वाली है। और भाई ये जो देख रहे हैं ना आप, ये जो ग्राफिक्स हैं यार, ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और डोर वाइजर्स यहाँ पे फुल एक्सेसरीज टाइप यहाँ पे ये लगी हुई है। अब भाई मैं बात कर लेता हूँ इसके प्राइसिंग और मॉडल के बारे में। तो भाई अब हम काम की बात खोल देते हैं, कितने रुपये में मिलने वाली है, कौन सा मॉडल होने वाली है। 2013 मॉडल है, 2013 5.5 लाख रुपये आस्किंग प्राइस है। जो भी भाई ले सकते हैं फटाफट आ जाओ। और ओनर के जो भी डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दी हैं, आप डिस्क्रिप्शन में से कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट नंबर लेके भाई। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस टाइप की इंटरेस्टिंग टाइप वाली वीडियोज़ मैं आपके लिए और भी आगे लाता रहूँगा।